देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। मध्य प्रदेश में हाल ही में घटित हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला एवं विशाल पटेल सहित अनेक नेतागण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जहां दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेसी एवं आमजन सकते में है। वहीं इस मामले में अपने बेबाक अंदाज में प्रदेश कांग्रेस सचिव अभिषेक जाट ने कहा कि जिस तरह से कार्बोरेटर में से कचरा निकल जाता है और गाड़ी स्पीड से चलती है, उसी प्रकार कांग्रेस के कार्बोरेटर में से भी कचरा साफ हो रहा है और आगामी समय में कांग्रेस की गाड़ी तेज गति से चलेगी तथा कांग्रेस अपने शीर्ष स्थान को प्राप्त करेगी। जाट ने कहा कि जिस प्रकार पतझड़ के जाने के बाद में बसंत बहार का मौसम आता है और पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आ जाते हैं, पत्ते झड़ने से पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार वटवृक्ष रूपी कांग्रेस को ऐसे दल बदलू नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मान सम्मान नेताओं को कांग्रेस में मिला है वह भाजपा में नहीं मिलेगा। श्री जाट ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लोग पूर्व विधायक संजय शुक्ला पर उज्जैन रोड पर बारौली में अवैध खनन के मामले में 140 करोड़ रुपए की बकाया राशि का आरोप लगा रहे थे। क्या वही भ्रष्टाचारी भाजपा में जाने के बाद शिष्टाचारी हो जाएंगे? वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जाट ने कहा कि कांग्रेस को अब युवाओं को आगे लाना होगा तथा आगामी लोकसभा एवं अन्य चुनावों में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करनी होगी। अभी हाल ही में जो कल एक घटनाक्रम हुआ है कि दिग्गज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर के दो कद्दावर पूर्व विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसको किस रूप में देखते हैं, कांग्रेस का क्या रुख सामने आ रहा है इसको देखते हैं? देखिए कि एक कांग्रेस ने पीसीसी के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, विगत जो 5 साल के अंतर्गत जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे और उनमें से जो लिस्ट थी वो 55 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की लिस्ट थी और वो जारी करी। उसमें ये बताया गया था कि मात्र 5 से 6 लोगों ने ही जो है भारतीय जनता पार्टी में सर्वाइवल कर पाए और बाकी सबका भविष्य अंधकार में हो गया और वो दरी बैनर पोस्टर और ये चिपकाने में लगे हुए हैं और झंडा तोक के घूम रहे हैं। और वही स्थिति जो ये आप बता रहे हो कि जो गए हुए हैं और ये जिस तरीके से गए पार्टी ने, तो इनको सब कुछ देने के बाद में यदि ये लोग जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये लोग उन स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने की राजनीति करते हैं और इन्होंने जो भी काला धोला करा होगा और जो सवाल हमेशा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही कि कांग्रेसियों के अंदर सब भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं और भ्रष्टाचार कर करके कांग्रेस ने करोड़ों रुपए गबन करा। बाकी मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे भ्रष्टाचारियों को ले लिया जहाँ कांग्रेस पे वो आरोप लगाते थे, तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पे जो आरोप लगाए गए हमेशा जो निरंतर लगाते आ रहे 70 सालों से कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करा, तो मुझे तो नहीं दिखता जब इनको ले लिया जाता है और जिनके नाम पे बोला जाता था कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार करा है और उनको जब पार्टी बीजेपी ले लेती है तो वो भ्रष्टाचार के केस बंद हो जाते, तो इन्हें ये एक निराधार के बातें करती थी भारतीय जनता पार्टी शुरू से और लोगों को गुमराह करती रही कि ये पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर संविधान के जो प्रति जो एक ईमानदारी और जो वफादारी होना चाहिए संविधान के प्रति, देश के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देती है। किस तरीके से आप लोगों ने चंडीगढ़ के चुनाव भी देखे, अभी आपने देखा है कि एक जो बहुत बड़े पद पर रहे उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया निर्वाचन वालों ने, तो आप इस चीज़ को देखिए कि कहीं ना कहीं अब एक आदमी बचा हुआ है जो निर्वाचन कराएगा पूरे लोकसभा का। और इसमें एक इनने जो 2023 के अंदर एक कानून पास करा, मैं मानता हूँ कि ये वैसे ही कोई अधिकारी को बिठाएंगे जो इनको 400 सीटें पार कराने का काम करेंगे, यानी इस तरह की परिस्थिति दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान को नहीं मानती है, यदि देश के संविधान को मानती तो तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करती, सत्ता में कैसे आना है लोगों को खरीदी फरोख्त नहीं करती, करोड़ों रुपए के लालच दे दे के लोगों को अपनी तरफ बिठा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को ये कहते थे कि भ्रष्टाचारी उन सारे भ्रष्टाचारियों को ये ले रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस उस दौर में भी पाक साफ थी, आज भी पाक साफ है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, यदि भ्रष्टाचार किया तो फिर बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों को लिया क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले में एक बात यह भी सामने आ रही है कि जो पूर्व विधायक संजय शुक्ला है उन पर अवैध खनन का 140 करोड़ रुपया बकाया बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या देखते हैं इस प्रकार का कोई दबाव भी दिखाई दे रहा है? देखिए मैंने आपको अभी यही जरूर कहा कि उन्होंने जो किया, संजय शुक्ला ने जो खनन माफिया के तौर पे जाने जाते हैं और वो
कांग्रेस पार्टी ने तो उनका कभी उस मामले में सपोर्ट नहीं किया, और यही कारण रहा कि उनको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। यदि आपने गलत किया होगा तो आपको उसकी भरपाई करना पड़ेगी। और वो करोड़ों रुपए का राजस्व किसका था? वो आपका था, हमारा था, एक आम आदमी का राजस्व था, जो आज कहीं ना कहीं मान के चलो फाइलों में समेट जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है तो सबसे पहले संजय शुक्ला से 140 करोड़ रिकवर करें और फिर बताएं कि हमने ये काम किया, और लाख उनकी पार्टी में रहे वो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है आपको, गंदगी अपने आप कांग्रेस से साफ हो रही है या फिर कांग्रेस पतन की ओर जा रही है? देखो क्या होता है कि मैं सवाल का जो ये आपका जो जवाब है इसका मैं सीधा सा देता हूँ कि गाड़ी के अंदर एक कार्बोरेटर होता है और उसमें कचरा फंसता है, और तब जाके मान के चलिए कि वो कचरा साफ होता है, वो तब गाड़ी में वापस से पिकअप आता है और गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है, तो ये कुछ कचरे ओन थे, तो ये कचरे ओन धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ये कचरे जब निकल जाएंगे तो कार्बोरेटर के माध्यम से जब डीजल और पेट्रोल की जब सप्लाई सही स्टार्ट होगी गाड़ी को, तो गाड़ी रफ्तार में आएगी और फिर वापस से दौर बदल के आएगा। क्योंकि गारंटियाँ तो हमने सबकी देखी, वो लाल डायरी की भी गारंटी राजस्थान में देखी, वो गारंटी हमने मान के चलो 450 की गारंटी हमने मध्य प्रदेश में देखी, लाडली बहना आवास योजना की गारंटी हमने यहाँ पे देखी। तो गारंटियाँ तो हम कहीं देख रहे हैं जो काम नहीं हो रहे, और हमारे जो आज के जो सांसद हैं इंदौर जिले के, उनकी भी हमने गारंटियाँ देखी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल वो बने रहे और उन्होंने सत्ता का भोग किया। क्या दल बदलने वाले नेताओं के कारण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? दल बदलने वाले लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोर वोटर होता है, जो वोटिंग के परसेंटेज को जानता है, जो वोट करता है, उसको पता है कि कौन क्या है और क्या नहीं है। और इन लोगों के जाने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इनके साथ में इनके जो चंद साथी होने जो लूट खसोट की दुकानें चलाते थे, जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे रहते थे, वो लोग इनके साथ में चले गए, तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जैसे देखा जा रहा है पार्टी छोड़ रहे हैं, आप जैसे नवयुवा पार्टी से जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को नए चेहरों को मौका देना चाहिए चुनाव के अंदर? 100% मैं तो ये मानता हूँ कि प्रगति जो बताती और सिखाती हमें कि एक जर्नी है, जब प्रकृति अपने नियम को परिवर्तन करती है और एक ऋतु के हिसाब से वो चलती है, तो मैं मानता हूँ कि जब पतझड़ का समय आता है तो पतझड़ होता भी है, और जब हरियाली का समय आता है तब हरियाली होती है। तो कांग्रेस पार्टी अभी नवयुवकों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगी, तो मैं मानता हूँ कि ये पार्टी बहुत तेज़ी से उभर के सामने आएगी, और कहीं ना कहीं मान के चलो कि प्रदेश और देश के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व रहेगा। आपको मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे? 100% यदि पार्टी मुझे बोले कि चुनाव लड़ना है तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। तो तैयारी तो मैं वैसे ही करता हूँ, हमेशा 24 घंटे में एक्टिव रहता हूँ काम करने के लिए, और ये आप सभी जानते हो और मेरे क्षेत्र के रहवासी तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा तत्पर रह के काम करता हूँ। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।